हे गाइस, अशोक हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम आप लोगों के लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी पेपर का सलूशन लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए फिर आपको बताते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आया था कि काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि काव्य को जो है दो भागों में बांटा गया है, जिसके नाम है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था कि पठन का अर्थ है, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, बता दें कि पठन का अर्थ है सास्वर वाचन और मौन वाचन होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। फिर फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन आया था कि मौन वाचन का उद्देश्य है, आई मीन मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आई मीन वाचन गति का विकास और पठित सामग्री का अधिग्रहण वचन मौन वाचन का उद्देश्य होता है। फिर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आया था तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ आया था कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। तो इसके ऑप्शन थे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त तो होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त तो होने वाले शब्द जो है सर्वनाम कहलाते हैं। फिर आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स आया था कि समास किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए फिर इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, आई मीन इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप है। और इसका डिफिनेशन होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यही होगा। फिर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आया था कि मौलिक लेखन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि मौलिक लेखन किसे कहते हैं। तो विचारों तथा मनोभावों को शब्दों के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान करना ही मौलिक लेखन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आया था कि लिंग किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए फिर जान लेते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन होगा कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष या स्त्री जात का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इसका डिफिनेशन यही होगा कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष या स्त्री जात का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। फिर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आया था कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है उसे स्पष्ट कीजिए। तो फिर आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि गद्य वह विधा है जिसके अंतर्गत हम पत्र, निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, लेख आदि लिखते हैं उसे गद्य कहते हैं। और पद्य जो है इसके विपरीत होता है। तो पद्य वह विधा है जिसके अंतर्गत हम कविता, काव्य, गाने, भजन व पद्य लिखते हैं। तो आई होप आपको गद्य और पद्य में अंतर पता हो गया होगा। फिर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 आया था कि वाक्य किसे कहते हैं। तो फिर आइए इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बता दें कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक रूप को ही काव्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन आए थे सब इजी क्वेश्चन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आया था कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, तो आइए फिर जान लेते हैं कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, या इसका पहला पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। फिर फ्रेंड्स पूछा था कि इसका एक उदाहरण पूछा था, तो इसका एक उदाहरण है नील कमल। फिर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 आया था कि कहानी तथा लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सब आपके सिलेबस का था, तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आया था कि वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सब भी आपके सिलेबस से आया था, तो इनमें जो है आपको मतलब विस्तार से लिखना था। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आया था कि औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि औपचारिक पत्र जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रार्थना पत्र, दूसरा होता है कार्यालयी पत्र और तीसरा होता है व्यावसायिक पत्र। तो यही 3 प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आया था कि हिंदी में किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हिंदी भाषा में कुल 13 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, जिनके नाम है पूर्ण विराम,
तो पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है योजक योजना चिन्ह या योजक चिन्ह, और चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा है विस्मय बोधक चिन्ह, और छठवा है उद्धरण चिन्ह, सातवां है अर्धविराम चिन्ह, आठवां है उपविराम, नौवां है कोष्टक, दसवां है लाघव चिन्ह, ग्यारहवां है आदेश चिन्ह, और 12 नंबर है लेखांकन चिन्ह, और 13 नंबर है लोप चिन्ह। तो यही 13 प्रकार के हिंदी भाषा में कुल विराम चिन्ह होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 आया था कि उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए, तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आया था कि लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन हैं। तो फ्रेंड्स लिखित अभिव्यक्ति के जो है मुख्य रूप से निम्न प्रकार के साधन हैं। तो आइए फिर जान लेते हैं कि ये साधन कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, सार लेखन, विवरण, नाट्य या आख्यान लेखन आदि जो है लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके नेक्स्ट पेपर का सोल्यूशन लाएं, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।